नमस्कार दोस्तों, दीप टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि दोस्तों जो हम यूट्यूबर हैं या हमारे यूट्यूबर लाइफ है उसमें आप सभी ने देखा कि हम 0 सब्सक्राइबर से 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही मेहनत से करते हैं, पर दोस्तों जो हमारी वीडियोज़ के व्यूज़ होते हैं वो बिल्कुल 10 15 या फिर 100 तक ही आते हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि जो मेरे वीडियोज़ के व्यूज़ हैं वो सिर्फ 50-15 या फिर 450 तक ही सीमित हैं। तो वो दोस्तों क्योंकि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी वीडियोस को शेयर नहीं करता या फिर मैं अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों को वीडियो शेयर नहीं करता, क्योंकि दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियोस रैंक करानी है तो सबसे पहले अपने दोस्तों को वीडियोस कभी भी मत शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों वह होता क्या है कि अगर आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते हैं तो वह अपनी वीडियोज़ पर जाते हैं, वहाँ पर आपकी 10 या 5 सेकेंड वीडियो देखते हैं, उसके बाद वापस उसको बैक कर देते हैं, जिसके कारण आपकी जो वीडियोस का व्यूज़ है या आपका एल्गोरिथम है वो डाउन हो जाता है या फिर उससे वीडियोस आपकी सजेस्ट या। तो दोस्तों कुछ दिनों से पहले मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल देखा जिसको देखकर मैं बिल्कुल हैरान हूँ, उससे मेरी एक दो बार बातें भी हुई हैं। दोस्तों उस यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है वाईटी स्टूडियो। तो दोस्तों हाँ, अगर अभी तक आपको नहीं पता तो आप सर्च में जाकर देख सकते हैं वाईटी स्टूडियो। जिन्होंने मैं उस यूट्यूब चैनल को देख रहा हूँ जिसके लगभग 10 सब्सक्राइबर थे, तो दोस्तों अगर आप अब जाकर देखेंगे तो उसके जो 14000 के आसपास या करीब 14000 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रैंक कर रहा है। क्योंकि दोस्तों है आप सभी को नहीं पता, क्योंकि अगर आपको अपनी वीडियोस रैंक करानी है तो सबसे पहले अपनी वीडियोज़ की क्वालिटीज़ को बढ़ाइए अपनी वीडियोज़ की क्वालिटीज़ को बढ़ाइए। जैसे कि मैंने कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी वीडियोस को अच्छी क्वालिटीज़ में बनाऊं और अपनी वीडियोस का जो नॉइस है वो कम करूं, क्योंकि दोस्तों मैं आसपास जहां पे वीडियोस बनाता हूं वहां पे नीचे बहुत ही शोर शराबा या साधन आते हैं या बाहर काफ़ी लोग बैठे हैं जिनका शोर शराबा रहता है। और दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियोज़ को रैंक कराना है तो वाईटी स्टूडियो की तरह ही आप अपनी वीडियोज़ को रैंक करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वह शोर शराबे में वीडियो बनाता है। और दूसरी बात दोस्तों, उसके जो डिस्क्रिप्शन या फिर हम टाइटल लगा लेते हैं या फिर टैग लगा लेते हैं उसके काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस वीडियो, जैसे कि मैंने ये टॉपिक उठाया कि हाउ टू रैंक वीडियो, तो दोस्तों वह अगर वह वीडियो बनाता है तो वह सबसे पहले उस टाइटल को अच्छा लिखता है या अच्छी तरह से लिखता है, उसके बाद दोस्तों वह उसे डिस्क्रिप्शन में डालता है और फिर दोस्तों वह उस टाइटल को टैग में डालता है। तो दोस्तों वह इतनी साफ सफाई से अपने हर एक चीज़ को सेम रखता है जिसके बाद उसकी वीडियोस रैंक होती हैं। और दूसरी बात दोस्तों, वीडियोस रैंक होने का मेन कारण ये नहीं कि वीडियोस अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों वीडियोस के साथ साथ आप अपने वीडियोस की क्वालिटी को भी क्लियर कीजिए और अपने सब्सक्राइबरों को हमेशा एक्टिव सब्सक्राइबरों के साथ बातें भी करें, जिससे आप अपने वीडियोज़ को पर व्यूज़ ला सकते हैं। तो दोस्तों मैं भी काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे लगभग अगर आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे जो व्हाट्सएप पर फ्रेंड लगभग 100 से ज़्यादा फ्रेंड हैं, और दोस्तों मेरे साथ 10-15 जो यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ मेरी बात भी होती है, उनके अच्छे स्टेटस वाले जो यूट्यूब चैनल है वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। पर दोस्तों अगर आप एक टेक्निकल चैनल बनाते हैं या फिर आप मनोरंजन वाला बनाते हैं, मनोरंजन वाला एक जल्दी ही आप अच्छा रैंक करा सकते हैं वीडियोज़ को, क्योंकि दोस्तों मनोरंजन से काफ़ी अच्छा वॉच टाइम मिल जाता है या फिर अच्छे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, पर एक टेक्निकल वीडियो में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप को एक टेक्निकल चैनल बनाते हैं तो उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता, मुझे अब जो मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरा जो एडसेंस है वो भी काफ़ी अच्छा ऑन हो चुका है या मेरा रिवेन्यू कम्प्लीट हो चुका है, मेरा एडसेंस चालू भी हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी एक अच्छा YouTube क्रिएट करते हैं और आप अपना एडसेंस ऑन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी कोई भी कॉपीराइट वीडियो नहीं डालिए। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको वीडियोस रैंक करानी है तो आप अपना डिस्क्रिप्शन भी अच्छा लिखिए, वीडियोस को भी अच्छी तरह लिखिए, जिस तरह से वाईटी स्टूडियो करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो वाईटी स्टूडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वहां से आप जाकर देख सकते हैं कि वह कैसे वीडियोस को लिखता है, वो उनकी वीडियोस पर देख सकते हैं। आज जो व्यूज़ हैं लगभग 2000 से 3000 अच्छे व्यूज़ आते हैं 22 घंटे या 24 घंटे में, तो आप भी ऐसी कोशिश करिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो दोस्तों आप वीडियोस को कंप्लीट देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, मैं कुछ नया लाने के या कुछ क्रिएटिव करने के लिए या कुछ अलग करने के लिए। दोस्तों अभी जो मैं काफ़ी मेहनत करूँ, मैंने अच्छा ट्राईपोड भी लिया है या फिर माइक भी लिया, पर दोस्तों यहाँ पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे जो
जो मेरा रूम है दोस्तों उसमें आवाज़ गूंजती है या फिर आपको पता इको ज़्यादा, जिसके कारण मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाता। मैंने कोशिश भी की थी, आपने अगर तक अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो नहीं देखी तो मैंने ग्रीन पर्दा की वहाँ पे फ़ोटो भी शेयर किया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। पर अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो वीडियोज़ को प्लीज़ कम्प्लीट देखिए, या अगर आपको कोई गलती लगती है तो हमें गलती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट।